अब यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट है, वो क्या है, तो भाई जैसे ही मैं बैठता हूँ तो थाई सपोर्ट जो कि काफी अच्छी पोजीशन पे है लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया गया है। पहले ऊपर आता था, पहले यहाँ पर आती थी कि आप टच करोगे तो ये है कुछ इस तरह झोलझाल भी है यहाँ पे बड़ा पैडल डेड पैडल। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। गाइस आज हमारे साथ आ चुकी है किया सोनेट फेसलिफ्ट 2024। नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छे लुक वाइज, और 2020 सितंबर में किया सोनेट लॉन्च की गई थी और आज फाइनली इसका फेसलिफ्ट भी हमारे सामने आ गया है। बात करता हूँ पर्टिकुलर वेरियंट की, तो एक्स लाइन है टॉप ऑफ द लाइन होने वाला है पूरी मतलब वेरियंट्स के अंदर। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ अपने को मिलेंगी, क्या इसके अंदर फीचर्स ऐड किए गए हैं, क्या मुझे पर्सनली अच्छा लगा, क्या इसमें और ऐड हो सकता था, उन सभी बातों की बात करेंगे। और ज़्यादा समय खराब न करते हुए बात करते हैं किया सोनेट फेसलिफ्ट की। फ्रंट आप देख सकते हो कुछ इस तरह मिलने वाला है, इस बार काफ़ी एग्रेसिव लुक मिलने वाला है किया सोनेट फेसलिफ्ट 2024 का। यहाँ पर अगर बात करता हूँ टाइगर नोज ग्रिल की, टाइगर नोज ग्रिल कम्प्लीटली चेंज कर दी गई है और ज़्यादा एग्रेसिव कर दी है। साइड में हेडलैम्प्स की बात करता हूँ तो DRL काफ़ी बड़े आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपको क्राउन जुवेल LED हेडलैम्प मिलते हैं वो 4 की जगह 3 हो गए हैं। नीचे की तरफ अपने को इस बार यहाँ पर फॉग लैम्प मिलने वाले हैं, कुछ अलग ही स्टाइल में है। हालांकि लोअर वेरियंट के अंदर यहाँ पर मिलते हैं कुछ इस तरह, लेकिन अपर वेरियंट में यहाँ पे मिल जाते हैं। टोइंग के लिए अपने को यहाँ पे हुक मिल जाता है, 4 पार्किंग सेंसर अपने को मिल जाते हैं। ग्रिल में यहाँ पे छोटे छोटे इंसर्ट भी मिलते हैं जो कि अच्छा लुक देते हैं गाड़ी को, और यहाँ पे 360 व्यू कैमरा भी मिलने वाला है कुछ इस तरह। और यहाँ ये आप देख सकते हो एयर डैम काफ़ी अच्छा लगता है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, और यहाँ पर अपने को एडास भी देखने के लिए मिल जाता है। गाइज अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल में, तो सबसे पहले यहाँ पर टायर साइज की बात करें तो 215/60 R16 टायर साइज मिलने वाला है। और यहाँ पर ड्यूल टोन के अंदर अपने को अलॉय मिलता है जिसमें बीच में किया की बैजिंग मिल जाती है। ऑल फोर डिस्क ब्रेक यहाँ पे अपने को इस बार किया सोनेट 2024 में इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। और यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना, ये साइड क्लाइडिंग काफ़ी अच्छा लुक देती है। मैट फिनिश के साथ ये पेंट मिलता है जिसमें आप हाथ अगर फिराते हो तो अलग सी आवाज़ आती है। अपने को पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल ORVM पे मिल जाता है, और नीचे की तरफ अपने को 360 व्यू कैमरे का कैमरा मिल जाता है। और यहाँ पर अपने को रूफ रेल पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है, ऊपर अपने को सनरूफ मिलती है। और यहाँ पे बी पिलर की बात करता हूँ तो मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है, सी पिलर पे अपने को पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल मिलता है, और डिज़ाइन भी कुछ अलग सा ही यहाँ पर इस बार दे दिया गया है। फ्यूल टैंक की बात करें तो कुछ इस तरह है भाई, E20 कंप्लाइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको बंद करते हैं, यहाँ पर अपने को ऑल फोर डिस्क ब्रेक में दिखा ही चुका हूँ। तो बात करते हैं रियर प्रोफाइल की, रियर प्रोफाइल एक्स लाइन की कुछ इस तरह मिलती है, काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी एग्रेसिव लुक आता है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर अपने को कनेक्टेड लाइट्स मिल जाती है ऑल दो। और यहाँ पर अपने को काफ़ी सुंदर किया का लोगो मिलता है, सोनेट की बैजिंग अपने को यहाँ पर है, एक्स लाइन की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है, और 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, दो इस तरफ रिफ्लेक्टर्स अपने को यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रिवर्स कैमरा, पहले ऊपर आता था लेकिन अब यहाँ पर नीचे की तरफ दे दिया गया है। यहाँ पर ये जो चीज़ मिलती है भाई रिवर्स लाइट है, पहले यहाँ पर आती थी लेकिन अब यहाँ पर दे दी गई है। और जैसे ही हम बूट ओपन करते हैं भाई, बूट अपने को कुछ इस तरह मिलता है जो कि 385 लीटर का मिलता है, पहले वाली में 392 लीटर का मिलता था लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया गया है। सब वूफर यहाँ देखने के लिए मिलेगा, लगेज लैंप भी मिल जाता है, पार्शल ट्रे अपने को कुछ इस तरह मिलने वाली है, और बंद करने के लिए ये अपना ग्रैब हैंडल। और जैसे ही यहाँ देखते हैं ड्राइवर साइड अपने को यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, और जैसे ही इसको ओपन करते हैं हम यहाँ पर अपने को देखने के लिए मिलते हैं कंट्रोल्स। क्या कंट्रोल्स हैं ये? ऑल फोर पावर विंडो, 1 टच अप एंड डाउन है चारों के चारों, जो कि वॉइस कमांड के थ्रू भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। आप कहोगे डाउन और डाउन हो जाएगा, आप कहोगे अप तो अप हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, और ये अपने को मिल जाते हैं लॉक अनलॉक, ठीक है जी। बॉस की यहाँ पे बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है कुछ इस तरह, और यहाँ पर अपने को ड्यूल टोन का इस्तेमाल मिल जाएगा। और हमें फ्यूल टैंक ओपन करना हो तो अपने को यहाँ पे मिल जाता है, और ये अपने को लीवर हुड ओपन करने के लिए मिल जाता है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इंजन की, और जैसे ही हम इंजन हुड ओपन करते हैं तो भाई अपने को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे टर्बो GDI 1 लीटर का इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है, 3 सिलेंडर है मैं बता दूं आपको, और पावर इसके अंदर मिलती है 120 PS की, और टॉर्क इसके अंदर 172 न्यूटन मीटर का मिलने वाला है। 3 ईयर्स की अनलिमिटेड वारंटी मिलेगी जिसको 5 साल तक आप एक्सटेंड करा सकते हैं अनलिमिटेड। अब यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट है, वो क्या है, वो है ये हुड इंसुलेटर किया ने नहीं दिया है, जो कि मेरे हिसाब से देना चाहिए था, बाकी बस यही है इसके अंदर। तो गाइज ये हुई बात इंजन की, एक्सटीरियर की, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए अब बात कर लेते हैं
इंटीरियर की। लेट्स गो, पहले बात कर लेते हैं स्टेयरिंग व्हील की। स्टेयरिंग व्हील आप देख सकते हो कुछ इस तरह मिलने वाला है अपने को। डी कट स्टेयरिंग मिलता है, सोनेट की यहाँ पे बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। टिल्टेबल स्टेयरिंग है, हाइट के अकॉर्डिंग टिल्ट कर सकते हो। टेलीस्कोपिक अभी भी मिसिंग रहने वाला है। पेडल शिफ्टर्स बाय द वे यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो वेरियंट है या तो डीजल ऑटोमेटिक में आएगा या फिर अपने को पेट्रोल डीसीटी के साथ मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ये कंट्रोल्स अपने को वॉल्यूम के मिलते हैं, ये अपने को एडास के कंट्रोल मिल जाते हैं। वाइपर्स कंट्रोल अपने को कुछ इस तरह यहाँ पर मिलने वाला है, और यही अपने को इंडिकेटर्स कंट्रोल मिल जाते हैं, जिसके अंदर ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी अब ऐड हो गया है MID के अंदर। आप देख सकते हो कुछ इस तरह, क्योंकि गाड़ी के अंदर 360 व्यू कैमरा आता है, जिसको ऑन करने के लिए यहाँ पर ये रहा बटन, ठीक है जी। ऑन करते ही यहाँ पर 360 व्यू कैमरा आ जाता है, जिसको आप 3D वगैरह भी कुछ इस तरह आप कर सकते हो। है तो ये X-Line व्हाइट कलर की गाड़ी क्यों दिखा रहा है तो ये है कुछ इस तरह झोलझाल भी है यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर बात करता हूँ इसकी, भाई ये कंप्लीट डिजिटल मिलने वाला है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लुक दे रहा है इस बार गाड़ी को। और यहाँ पर इसकी बात करते हैं, 10.25 इंच का ये अपने को मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर टच काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, किया कभी डिसअपॉइंट नहीं करता इस चीज़ के अंदर। इलेक्ट्रिकली IR भी हम अपने को यहाँ देखने के लिए मिलेगा, और सनग्लास होल्डर। यार ये तो अभी भी यार येलो कलर की है, ये तो अपने को LED दे देनी चाहिए थी। सनरूफ बाय द वे कुछ इस तरह है, ठीक है, इसको बंद करने के लिए यहाँ पे ऐसे रहेगा मामला। और अगर मैं बात करता हूँ ग्लोव बॉक्स की, ये ग्लोव बॉक्स है इस गाड़ी के अंदर, ड्यूल टोन का इस्तेमाल किया हुआ है, ब्लैक कलर के साथ है, और ये सेज ग्रीन अपने को मिलता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ AC कंट्रोल की, ये चेंज कर दिए गई हैं, बटन्स कुछ इस तरह रहने वाले हैं भाई, ठीक है, चेंज कर दिए हैं। और अगर मैं बात करूँ वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है कुछ इस तरह, वायरलेस चार्जर मिल जाता है यहाँ पर अपने को, 12 वॉट का सॉकेट, USB Type-C, और ये अपने को DCT मिल जाता है, पार्किंग रिवर्स ND, ठीक है जी। दो कप होल्डर मिलते हैं, और यहाँ पे कप होल्डर में रखी हुई है चाबी। चाबी की बात करते हैं तो चाबी अपने को यहाँ पे इस बार सेल्टोस और या फिर ये कहो किया EV6 वाली मिल जाती है। यहाँ पे किया की बैजिंग मिल जाती है, और ये लॉक अनलॉक, इंजन स्टार्ट स्टॉप, बूट अनलॉक, और यहाँ पे मैनुअल की निकालने के लिए कुछ इस तरह बटन दे दिया गया है। पर्सनली मुझे ये चाबी काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छा लुक देती है गार्ड, काफ़ी अच्छा लुक देती है, और पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है मुझे ये चाबी, ठीक है जी। और यहाँ पे गाड़ी के अंदर ऑल 6 एयरबैग मिलते हैं, ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड, सीट के अंदर मिल जाते हैं भैया, और कर्टन मिलने वाले हैं। ग्रैब हैंडल्स की बात करते हैं तो फोल्डेबल है, आराम से काफ़ी फोल्ड होते हैं। यहाँ पे वैनिटी मिरर का इस्तेमाल मिल जाता है, और यहाँ पर अपने को टिकट होल्डर मिल जाता है भाई कुछ इस तरह, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ DCT है, तो पैडल्स अपने को यहाँ पे दो मिलने वाले हैं, एक ब्रेक है और एक्सीलेटर है, काफ़ी बड़ा पैडल, डेड पैडल ठीक ठाक पोजीशन पे अपने को मिलता है भाई, ठीक है। और यहाँ पे सिटिंग पोजीशन की बात करता हूँ, तो भाई सिटिंग पोजीशन कुछ इस तरह है, ठीक ठाक है। हेडरूम मुझे काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, हेडरूम मुझे काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये इंटीरियर आप देख सकते हो, कंप्लीट इंटीरियर है, X-Line टॉप ऑफ द लाइन, इससे ऊपर कोई वेरियंट नहीं आएगा। तो गाइज ये हुई बात ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड की। अब बात कर लेते हैं पैसेंजर साइड की। लेट्स सबसे पहले बात कर लेते हैं पैसेंजर साइड डोर की। आप देख सकते हो कुछ इस तरह मिलने वाला है अपने को। यहाँ पे भी ड्यूल टोन का इस्तेमाल मिल जाता है, यहाँ पर अपने को ये देख सकते हो रेड कलर की स्टिचिंग मिलती है, ग्रे कलर का अपने को यहाँ पे लेदरेट मिल जाता है, बॉस की बैजिंग मिलने वाली है, और ब्लैक कलर यहाँ पे आप देख सकते हो। सिल्वर फिनिश के साथ डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे अपने को बॉटल होल्डर मिलता है, और यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अपने को ये ब्लाइंड्स भी मिल जाते हैं कुछ इस तरह। बात करते हैं स्पेस की, स्पेस अपने को काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ बैठ के, तो भाई जैसे ही मैं बैठता हूँ तो थाई सपोर्ट ठीक ठाक मिलता ही मिलता है यहाँ पे, मुझे लेग रूम भी बहुत अच्छा मिल जाता है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मुझे भाई हेड रूम भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि अब यहाँ सोनेट में कर्व आता है, जो कि अपने को हेड रूम एनहेंस करके देता है। यहाँ पर अपने को जो ये एयर प्योरीफायर मिलता है, ये टच बेस्ड है, ठीक है जी। आप टच करोगे ऑन होगा, ऑफ होगा। यहाँ पे रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, नीचे की तरफ अपने को फ़ोन रखने के लिए स्पेस है, और ये टाइप सी चार्जर मिल जाते हैं, दो मिलने वाले हैं। बात करते हैं सीट्स की, भाई 60-40 स्प्लिट इस बार अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और दो हेडरेस्ट मिलते हैं, एक हटा दिया गया है, बीच में भी आता था। यहाँ पर अपने को हैंडरेस्ट मिलता है दो कप होल्डर के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, हाथ रखोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ पर अपने को लाइट्स मिलती है, जो कि मतलब येलो ही मिलती है, LED मिलती तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। ग्रैब हैंडल्स की बात करते हैं, ग्रैब हैंडल्स अपने को फोल्डेबल मिलने वाले हैं, आगे के हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं। और ये आप देख सकते हो X-Line का इंटीरियर है, ये कुछ इस तरह मिलता है, काफ़ी अच्छा और सुंदर लगने वाला है। ऊपर की तरफ अपने को ब्लैक कलर का इस्तेमाल मिल जाता है। तो गाइज ये थी एक वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो लेके हम आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा, बाय बाय गाइज।